करने लगे हैं और आज ये सातवां व्लॉग है। शुरू करते हैं इस काम को। आज क्या क्या काम करने हैं देखे, मेरे साथ कहाँ कहाँ जाता हूँ क्या है, अपना इलाके को दिखाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, लोगों से मिलते हैं। बाकी बात कितनी खूबसूरत डक्स, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मैं रास्ते से गुजरता हूँ ना तो ये बड़ा वेलकम करती हैं, और एक दिन तो ऐसा इन्होंने वेलकम किया कि मैंने कहा हाउ आर यू, और ये तमाम जो है मेरे पीछे और मैं आगे आगे। ये मेरा गांव है विलेज 160। ये आप देखें, ये जाम का टावर लगा हुआ है और वो सामने दूर तक गांव का जो है मंजर दिखाई दे रहा है जी। मेरे इलाके में यहाँ पे तकरीबन कम्युनिकेशन की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पे मोबलिंग का टावर और स्पीड टेस्ट जो है वो जारी है इस वक्त। स्पीड टेस्ट में मुख्तलिफ स्पीडें जो हैं इस वक्त बच्चों की और इम्प्रेसिव किस्म की हैं। अच्छे वर्क कर रहे हैं कॉलेज में, न्यू रहे हैं लेकिन बहुत माशाल्लाह। देखें किसी भी टेस्ट को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखने से पहले आपको इसके कुछ शॉर्ट कीज का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये देखें, मैंने लिखा हुआ है आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मिस्टर असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें मैंने IHMFBMAIMBF यानी बड़े पहले स्पेलिंग मैंने बड़े बड़े किए हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं। ये कैपिटल लेटर्स जो हैं ये किस तरह टाइप किए जाते हैं, इनको टाइप करने के लिए शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और साथ जो है ये लेटर को प्रेस करें। मतलब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, आई को लिखूँगा तो ये कैपिटल लेटर में होगा। अभी हैव की बात होगी तो हैव में जो एच है मैं शिफ्ट प्लस एच लिखूंगा तो ये कैपिटल लेटर में, उसको छोड़ के बाकी टाइप करूंगा तो छोटे स्पेलिंग में। इसी तरह सो ऑन ये जितने भी हैं ये रेड कलर में हैं, ये शिफ्ट के साथ लिखे हुए हैं। मिला शिफ्ट के बटन को लेटर के साथ मिला के लिखें तो कैपिटल में होते हैं, ये इस जगह पे मेंशन हो गया। और ये शॉर्ट कीज़ हैं जो कि इसके हमारे टाइपिंग में यूज़ होती हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी लिखे हुए टेक्स्ट को कापी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स लिखे हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए। कट करने का मतलब होता है कि अगर ये वाली लाइन यहाँ पे है, इसको मैं सिलेक्ट करके कट करता हूँ तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी। इसको नीचे ला के फ्रंट के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा तो ये लाइन ऊपर से नीचे आ जाएगी, इसको कहते हैं कट। जबकि कॉपी में ये होता है कि ये लाइन इस जगह भी रहेगी और नीचे भी लेके आनी तो वहाँ भी लेके आ सकता हूँ इसको मैं। और कंट्रोल प्लस वी जो कट किया होता है, कॉपी किया होता है, उसको पेस्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस एच आपके स्पेलिंग यहाँ पे अगर गलत हैं, आप असलम लिखते हो तो ए भूल गए हो तो आप इसको दुरुस्त कर सकते हो, लेकिन ये इतनी सी जगह पे नहीं, ये तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लिखा हो तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो हमने 40-50 लाइंस लिखी हैं उसमें एक एक जैसे स्पेलिंग बार बार गलत हो रहे हैं हमारे, तो उनको दुरुस्त करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच को जो इसको ओपन करेंगे तो उससे ये होगा कि वो वहाँ पर हम इसको रिप्लेस नामी एक ऑप्शन होगा, रिप्लेस में क्या करेंगे जो गलत वाला ऊपर लिखेंगे और जो दुरुस्त करना उसकी जगह उसको नीचे लिख के रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये तमाम के तमाम स्पेलिंग जो है वो ठीक हो जाएंगे। ये फर्स्ट है हमारा, जो बेसिक्स हैं ये आपको आनी चाहिए, बाकी मैं प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ ये करके ये कैसा है करते हैं इसको। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने ये शिफ्ट को प्रेस किया और आई को लिखा, आई को अब शिफ्ट को छोड़ दिया। अब मैंने हैव को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये देखें ये छोटे स्पेलिंग में लिख रहा हूँ लेकिन मुझे एच जो है बड़ा चाहिए, मैं शिफ्ट के साथ एच लिखता हूँ और छोड़ दिया ए बी, ठीक है ना। आई हैव ये देखें आई हैव, अब मैं टाइप करता जाता हूँ, ये शिफ्ट के साथ एम बड़ा बाकी माई वाई छोटा, ये ले आई हैव मैनी एफ आर आई ई एंड फ्रेंड्स। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, बट मिस्टर असलम स्पेस दें इसमें, बस मिस्टर असलम बैक पे ये स्पेस के साथ स्पेस दी जाती है, बट मिस्टर असलम इज़ का आई बड़ा लिखना है शिफ्ट के साथ, इज़ माई कैम बड़ा माई बी बड़ा बेस्ट स्पेस दें इसके दरमियान स्पेस बेस्ट और एफ आर आई ई एंड ये माई बेस्ट फ्रेंड। ये मैंने दो लाइन्स को टाइप किया, अब इस तमाम को हम कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करते हैं, ये कंट्रोल प्लस ए इससे ये अब इस तक सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं, अब इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस
सी। अब ये कॉपी हो चुका है, अब हम इसको कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, इस जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, हमारा कर्सर इस जगह पे है, इंटर करें, इंटर करें, ये हमारा कर्सर इधर आ गया, कंट्रोल प्लस वी, जो ऊपर था वो नीचे भी लिखा हुआ आ गया, ये काम होता है कंट्रोल प्लस वी का। अगर आपको ये काम नहीं चाहिए, ये क्यों लिखा गया, दूसरी दफ़ा लिखा गया, एक दफ़ा दो लिख लिए तो काफ़ी, ये नहीं, तो फिर कंट्रोल प्लस जेड, जेड से वो लाइंस ख़त्म हो जाएंगे, वापस उसी जगह पे आ जाएंगे जिस जगह पे हम पहले थे। अब मैं आप कट करके दिखाता हूँ, कट करने के लिए ये मैंने कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट किया है, कंट्रोल प्लस एक्स, ये देखें यहाँ से ये कट हो गया। अब मैं इसको इसकी जगह से इस जगह पर लेके आता हूँ, इंटर 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 इंटर, ये कर्सर इधर आ गया, अब ऊपर के बजाय नीचे कंट्रोल प्लस वी, ये होता है कट कट का काम। तो मैं इसको अपनी जगह से उठा के किसी और जगह पे जाके मेंशन करूँ, मैं फिर कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी कॉपी किया, अब मैं कर्सर को ऊपर लेके जाता हूँ, इस जगह पे मेरा कर्सर आ गया, अभी यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आ जाएगा, कंट्रोल प्लस वी, सॉरी स्पेस आगे दरमियान में, इसको बैक स्पेस पर क्लिक करते हैं, ये देखा अब डाउन हो गया। अब ये स्पेलिंग में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये असलम में मैं आई लिखा हुआ है यहाँ भी, और असलम यहाँ भी मैं ए की बजाय आई से लिखता हूँ, लेकिन असलम में ए होता है, तो इसके लिए मैंने स्पेलिंग की दुरुस्ती करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एच, ये देखिए कंट्रोल प्लस एच करने से रिप्लेस का ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ गया, यहाँ पर लिखा जाता है जो स्पेलिंग आपका गलत होता है उसको, और नीचे उसको लिखा जाता है जो उसकी जगह लिखना हो, जैसे कि ये देखिए मैं लिखता हूँ ए एस एल आई एम असलम, ये असलम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत है, और इसकी जगह दुरुस्त क्या करना है, मैं लिखता हूँ ए एस एल ए एम असलम। जैसे मैं इसको मैं रिप्लेस के बटन को ऑन क्लिक करूँगा तो यहाँ और यहाँ देखना खुद ब खुद स्पेलिंग जो है चेंज हो जाएगी, ये देखिए इधर से भी असलम और इधर से भी असलम, दोनों साइड से ये ओके हो गए। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग्स की दुरुस्ती इसी तरह कर सकते हैं। आप फाइल खोलें, फाइल खोलने के बाद सेव, सेव, या आपकी फाइल जो है एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो चुकी है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, ये यहाँ पे ये भाई ये देखिए ये सेव हो चुकी है इस जगह। स्टार्ट क्लिक करना, ऐड को सर्च वाला बॉक्स आ गया है, इस लिखना डी एक्स डी आई ए जी, इंटर, एक दफ़ा और इंटर करना है, हेलो आ देखो बेटा इस टाइम एक ही स्पैक्स दस रहे हैं कंप्यूटर दे, देखो कंप्यूटर एक ही स्पैक्स दस रहे हैं, ये दस रहा है कि इस टाइम जो मेरा आता देना 15 तारीख 2023 1:03 नीचे कंप्यूटर का नाम की दस रहा है सी जी पी सी है ना, उस तो बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बिट चल रहा है, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है, कि कंपनी का ब्रांड है तोशीबा, जिस तरह डेल होंगे एच पी होंगे इंटल होंगे या लिनावो होंगे, ये तोशीबा का कंप्यूटर वा, ठीक हो गया, मेरा मॉडल नंबर की है तोशीबा तो होगी कंपनी का नाम, मेरा मॉडल नंबर है सैटेलाइट L755, ठीक हो गया, इस तो बाद इंटल कोर i3, इस इंटल कोर i3 का प्रोसैसर है, ठीक है 2.3 4GB रैम लगी है DirectX 11 में, इस तरीके ना असं कंप्यूटर चैक कर सकते हैं। और आई हैव मैनी फ्रेंड, लेकिन असं यहाँ टाइटल देना चाहते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड, अगर करसर इतने रख के इंटर लगाओगे तो करसर नवी लाइन से चला जाता, तो जगह तो फिर नहीं बनी सड़कों, जगह कि बनानी है तुम करसर एरे शुरू से लैफ्ट साइड पर रख के इंटर मारना उत्ते जगह बन जाएगी किसी भी डॉक्यूमेंट्स से, फिर इतने जी स्पेस बनी और लिख सकते हैं जो भी है लिखना माई माई फ्रेंड लिख लो माई बेस्ट FRIEND माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, ये हो गया ऐसे का नाम। हूँ ऐसे के नाम के मैं कहना आम MBF ये तो बड़े होने चाहिए से, उन्होंने की करी और वास्ते मैं एफ शिफ्ट के बटन के नाल एफ शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना एफ नाल दबाना फ्रेंड बड़ा बी बड़ा करना बैक स्पेस ना कटिया शिफ्ट के नाल बी बेस्ट बड़ा हो गया माई दे विच एम कटिया शिफ्ट के नाल एम माई बड़ा हो गया इस तरह शिफ्ट का यूज़ करीदा कीज दे नाल फाइल खोल के सेव सेव ना डॉक्यूमेंट सेव हो जाता हूँ तुम इस तरह करो एरे ऊपर भी एक लाइन जी है ना। आज की क्लास जो दोनों क्लासेस वो हो गई हैं और सेशन हो गया ख़त्म, और कंप्यूटर की जो क्लास थी वो शॉर्ट कोर्सेज हैं कुछ लैंग्वेजेस हैं वो मैंने आज करवाई हैं, तो अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं, मौसम देखें, मौसम कुछ ठीक नहीं है आज, तो टाइम से घर चलते हैं, बाकी काम जो है वो घर में जाके करेंगे।